नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, शिव मानस पूजा, जहां भगवान शिव की आप अपने मन से पूजा करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं भगवान को कीमती वस्त्र पहना रहा हूं, मैं भगवान के ऊपर कीमती इत्र चढ़ा रहा हूं, मैं भगवान पर पुष्प चढ़ा रहा हूं, ये सब सोचते हुए भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिव मानस पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने इस स्तोत्र की रचना करी थी, जिसके ये कोई भौतिक पूजा नहीं है कि जहाँ पर जाकर आपने जल चढ़ा दिया शिवलिंग पर, आपने पुष्प चढ़ा दिए, बिलपत्र चढ़ा दिया, बल्कि आप घर बैठे बैठे या जहाँ पर भी हैं, आप मन ही मन सोच रहे हैं, भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। भगवान शिव का स्मरण करते हुए ये सोच रहे हैं कि आप बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, आप कीमती इत्र चढ़ा रहे हैं, तांबूल अर्पित कर रहे हैं। ये शिव मानस पूजा करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म स्थान में नहीं जा सकता, भोले बाबा का ध्यान करते हुए शिव मानस पूजा का प्रारंभ करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव मानस पूजा। रत्ने कल्पित मासनम हिमजलै स्नानम च दिव्यांबरम नानारत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितम गृह्यताम। इसका अर्थ है, हे देव, हे दयानिधे, हे पशुपते, ये रत्न निर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्न से विभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरी आदि गंध से समन्वित चंदन, जूही, चंपा और बिल्वपत्र से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप ग्रहण कीजिए। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे धृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदियुतम रंभाफलम पानकम शाकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। इसका अर्थ है, मैंने नवीन रत्न खंडों से जड़ित सुवर्ण पात्र में धृतयुक्त खीर, दूध और दधि सहित 5 प्रकार का व्यंजन, कदली फल, शरबत, अनेकों शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल तथा तांबूल, ये सब मन के द्वारा ही बनाकर प्रस्तुत किए हैं। भगवान, कृपया मेरे हृदय में भक्ति भाव से की गई इस भेंट को आप स्वीकार करें। छत्रं चामरयो युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा भेरि मृदंग काहल कला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणति स्तुतिर बहुविधा हे तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहान प्रभु। अर्थ है, छत्र, दो चवर, पंखा, निर्मल दर्पण, वीणा, भेरी, मृदंग, दुंदुभी के वाद्य, गान और नृत्य, साष्टांग प्रणाम, नाना विधि स्तुति, ये सब मैं अपनी हार्दिक इच्छा से आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया आपको अर्पित की गई इस पूजा को मेरे भगवान स्वीकार करें।
आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदिक्षण विधि स्तोत्रानि सर्वांगिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम्। अर्थ है, हे शंभो, मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है, तथा संपूर्ण शब्द आपके स्तोत्र हैं। इस प्रकार मैं जो जो कार्य करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है। कर चरण कृतम वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतशमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अर्थात हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्णों से, नेत्रों से अथवा मन से भी जो अपराध मैंने किए हों वे विहित हों अथवा अविहित, उन सबको हे करुणा सागर महादेव शंभो आप क्षमा कीजिए। हे महादेव शंभो आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तो दोस्तों, ये जो शिव मानस पूजा है ना, इसका आप किसी समय भी जाप कर सकते हो, और सिर्फ सावन में नहीं, सावन के अलावा भी जब भी आपके पास समय हो आप ध्यान करें भगवान का, और आप देखिएगा बस कृपा बरसती चली जाएगी। भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, जब आप ये प्रार्थना मन से कर देंगे तो भगवान प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। भगवान शिव के भक्त जय भोले, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें कमेंट्स में। भगवान शिव के दरबार में जब भी आप कमेंट में लिखते हैं भगवान शिव का नाम लेते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। मिस मत करिए इस आशीर्वाद को, शिव मानस पूजा का आनंद उठाइए, और सावन पे जो हम और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे उनको जरूर देखिएगा, शॉर्ट्स में भी आएंगे वीडियोस। सभी चैनल्स को सब्सक्राइब रखिए, बेल बटन पुश करके रखिए, आप कोशिश करिए इस सावन में आपका जीवन बदल जाए। धन्यवाद दोस्तों, ओम नमः शिवाय।